थी सानिया। मैं 11 साल की हूँ। मैं वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे डैडी वेजिटेबल का शॉप करते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली। नीड समबडी हु शेयर्स द सेम विजन, एंड व्हेन आई मेट अमीन आई फेल्ट दैट व्हाट ही इज सेइंग ही मींस इट। स्पार्टन फैमिली की एक कोर बिलीफ है टू गिव बैक टू द सोसाइटी, इसीलिए हम इशिता जैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत मुक्का मार की हमारी सोसाइटी को देखते हुए हुई कि हम जो आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, बल्कि हमारे आसपास ये होता रहता है, कभी हमारे घर परिवार वालों के साथ, यू नो, दोस्तों के साथ, कभी हमारे खुद के साथ। ऑफकोर्स हम पूरे देश को या पूरी दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए टूवर्ड सोसाइटी। You know, the first time when I met Ishita, I saw a lot of passion in her. She loves what she's doing, and I believe this attitude will bring change in the society. Dropout rate jo hai girls ka from their schools is, matlab usually girls 8th ke baad drop out ho jati hain, uske baad wo kaam waam karna shuru karti hain ya ghar pe help karti hain, phir unki shaadi ho jati hai. Ishita didi ne na sare girls log ko jama karne ke liye unke ghar pe gaye the. Bahut sare parents aise the jo Ishita se ekdam rudely baat karte the ki kya karoge tum, fu aur usme jaake matlab ghar ka bhi to karna in log. Aur Ishita didi ne bola ki wo darya pe jaake khel sakte hai lekin kaam ki चीज जो है उसको नहीं कर सकते, लेकिन क्यों का जवाब वो लोग बताए थे ही नहीं था, दरवाजा बंद कर देते थे। बॉयज लोग को कुछ मना नहीं करते और गर्ल्स लोग को लोग मना करते हैं हर चीज से, टोकते हैं उनको। लड़कियों को आप डांसिंग सिखाइए और लड़कों को आप फाइटिंग सिखाइए, क्योंकि लड़कों को तो फाइटिंग का शौक है। उनको ये समझा पाना कि क्यों लड़कियों का सीखना जरूरी है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। कुंफू क्या है तो उनको पता नहीं था, वो बोलते थे कि क्यों भेजना है, क्या काम है, काय के लिए भेजे, तो कोई लोग को अच्छा लगता था, कोई लोग को नहीं अच्छा लगता था, इसके लिए नहीं भेजते थे। बाकी फादर्स को भी एक जैसे ही देखना चाहिए, लड़का हो लड़की हो। पर मैंने देखा इशिका दीदी को, सर को, कि सब लोग इतना मेहनत से बच्चों को सिखा रहे हैं और हम ही नहीं भेज रहे बच्चों को। तब मैंने अपने बच्चों को बोला सीरियसली कि आप लोग जाओ और सीखो, ये आप लोगों के फ्यूचर के लिए अच्छा है। पापा बोले कि ना जाने का, क्योंकि इशिता दीदी हम लोग के लिए सिखा रही है। इनिशियली व्हेन वी यूज्ड टू डू द क्लास, द गर्ल्स यूज्ड टू बी रियली कॉन्शियस ऑफ यू नो अदर बॉयज प्लेइंग इन द विसिनिटी, एंड आई यूज्ड टू कीप टेलिंग देम कि तुम अपनी जगह बना लो ना, तुम भी तो क्लास करने आए हो। चार गर्ल्स थे, उसके बाद 20 हो गए, उसके बाद 30 हो गए, उसके बाद 70 गर्ल्स हो गए। हम लोग फिर उसमें इंजॉयमेंट करते थे, एलिस सर आते थे, बहुत सारे चीज़ सिखाते थे, पंचिस, ब्लॉक्स, किक, 20 स्टेप्स, बैडमिंटन, और लो लाइन पंच सीखते, हाई लाइन पंच सीखते, मिडल लाइन पंच सीखते, ब्लॉक्स सीखते, बहुत कुछ सिखाया। आई थिंक बाकी बच्चों के कंपैरिजन में हमारे बच्चों में ज़्यादा जीतने की भूख है, क्योंकि उनके पास वो सब रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जितनी बाकी बच्चों के पास हैं। और मैं सोचती हूँ कि मैंने सिखाकर, मतलब मेरी लड़की को सपोर्ट करके सिखाकर बहुत अच्छा ही काम किया है। द बिगेस्ट हाई पॉइंट ऑफ द ट्रेनिंग हैज़ बीन वेरी रिसेंटली व्हेन फर्स्ट टू ऑफ आर गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप। टू ऑफ आर गर्ल्स गॉट अप टू प्रैक्टिस एंड देन वंस ओल्डर सिस्टर टोल्ड हर कि तुम ये टाइम पास करना बंद करो, तुम वैसे भी कोई झंडे गाड़ के नहीं आने वाले हो। एंड महक जस्ट टर्न अराउंड एंड सेड कि अगर झंडे गाड़ दिए तो। मेरे लड़की ने इंटरेस्ट लिया और मेरी मेहनत सफल हुई और उसको आज 2 मेडल मिले हैं। मेरे बड़े पापा ने ना बोला था पहले, फिर जब मैं मेरे बड़े पापा के पास सिल्वर और गोल्ड मेडल लेके गई तो मेरे बड़े पापा बोलते कि तूने ना हम लोग के सबका नाम रोशन कर दी। तो मैं बोली नहीं, मैंने तुम लोग का नहीं करी, मैंने मेरी मम्मी का करी। पर बच्चों को ऐसा सुना तो बाप रे, उनको यकीन नहीं आया कि मेरा बच्चा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन में गोल्ड मेडल ले आया। तो वहाँ से इतना खुश है, अभी भी बोलते महक जहाँ आपको जाना है पूरा पंख दे दिया है, जहाँ उड़ना है उड़ो अपनी मर्जी का। तीनों बेटियों को बोल दिया अपनी ज़िंदगी खुद जी लो, जैसा तुमको करना है वैसे करो। अगर मैं कुंग फू सीख के आगे बढ़ जाऊँ तो वही मेरे काम में आएगा। अकेला मैं किधर पे भी जा सकती हूँ, अपना प्रोटेक्ट खुद कर सकती हूँ। मेरे को किसी से डरने का, मैं बिंदास फाइटिंग करती हूँ, किक्स देती हूँ, ब्लॉक्स करती हूँ। आई थिंक द चेंज कैन बी सीन एंड द चेंज इज अ पॉजिटिव चेंज। मुकमार इन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ही नहीं सिखा रहा है, बट इंडिया के नेक्स्ट मार्शल आर्ट चैंपियंस को भी प्रिपेयर कर रहा है। लाइक एलेक्स सर एट मुकमार सेज, वी आर नॉट मेकिंग देम फाइटर्स, वी आर मेकिंग देम वॉरियर्स। मुझे मार्शल आर्ट बहुत पसंद है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब गर्ल्स मार्शल आर्ट सीखें।